आप सभी देवासुर संग्राम की तैयारी करें, क्योंकि अत्यंत शीघ्र इस युद्ध की समाप्ति के बाद स्वर्ग हम असुरों के अधीन हो जाएगा। जिस प्रकार आज पाताल पर अधर्म की पुनर्स्थापना हुई है, कल पूरी सृष्टि पर असुरों का राज होगा। सब बनेंगे अंधक के बंधक, देवताओं का विनाश और सर्वत्र असुर अधिपत्य स्थापित करूंगा मैं। ये मेरा प्रण है। स्थिराय नमः। ओम स्थाणवे नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम भीमाय नमः। ओम प्रवराय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम वराय नमः। ओम सर्वात्मने नमः। ओम सर्वविख्याताय नमः। ओम सर्वस्मै नमः। ओम सर्वकराय नमः। ओम भवाय नमः। अंधकासुर, सिंहासन प्राप्त होगा मुझे तो भीषण देवासुर संग्राम होगा। देवता बनेंगे अंधक के बंधक, यही कहा था आपने। तो देवताओं पर आक्रमण करने में इतना विलंब क्यों? बल का मद हावी होकर युवासुरों की बुद्धि भुला देता है। युद्ध के लिए इतने तत्पर हो जाते हैं कि धैर्य का मूल्य नहीं समझते। अंधकासुर, अपने धैर्य को अस्त्र बनाकर वार करना होगा हमें उन पर। धैर्य 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 पराक्रम नहीं, वीरता दर्शाता है। गुरुदेव, शक्तिशाली हूँ मैं, मुझे भला धैर्य की क्या आवश्यकता है। विजय प्राप्त करनी है तो धैर्य रखना होगा। एक और तपस्या करनी होगी। जड़ नष्ट करने से ही वृक्ष का अस्तित्व नष्ट होता है। अंधकासुर, सत्य है, महादेव की शक्ति से विलग होने से शक्तिहीन हो गए हैं देवताएं, किंतु उनका समूल विनाश करना है तो जड़ से मिटानी होगी उन्हें। माता लक्ष्मी की तपस्या कर श्रीहीन भी करना होगा देवताओं को। कैलाश, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, स्वर्ग और हमसे उच्च स्थानों पर श्री अर्थार्थ देवी लक्ष्मी का वास है, इसीलिए वहां सदैव मंगल ही होता है। वहां जिनका निवास है वो सदैव हम पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। श्रीहीन होने से ही पराजित होंगे वो और विजयी होंगे आप। उचित है गुरुदेव, उनसे सब कुछ छीन लूंगा मैं, जिससे उन देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। श्री को छीन लूंगा उन देवताओं से, अंधक बना देगा उन्हें अपना बंदर। ओम प्रवराय नमः। देवासुर संग्राम, लक्ष्मी विष्णु का अलगाव, इस रूप में मैं कोई सहायता भी नहीं कर सकती। पुत्र गणेश। हाँ माँ, क्या हुआ माँ? आसुरी शक्ति पुनः जागृत होने वाली है। अहंकार यदि बढ़ जाए तो शक्ति और श्री दोनों मिट जाते हैं। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली है। क्या
श्री भी दूर होने वाली है? श्री से दूर होने से देव और देवलोक की संपूर्ण सुख समृद्धि लुप्त हो जाएगी। सचेत हो जाओ पुत्र, देवासुर संग्राम छिड़ने वाला है। इस महासंकट को रोकने का बस एक ही उपाय है कि मैं शीघ्र जाकर मामी जी को जाने से रोक लूं। मैं अत्यंत पीड़ा में हूँ स्वामी, क्योंकि निराश किया है महादेव ने देवी पार्वती को। वो उन्हें समझाकर अपने साथ कैलाश क्यों नहीं ले गए? कैलाश से दूर जाकर अपना प्राश्चित किया उन्होंने, जगत कल्याण के लिए देवी कात्यायनी का अवतार लिया, महिषासुर का वध किया, और फिर भी इतने निष्ठुर हो गए महादेव। परंतु देवी। नहीं स्वामी, अब किंतु परंतु नहीं, अब आपको ही कुछ करना होगा। समझाना होगा महादेव को कि महाशक्ति का महादेव से विलग होने का दुष्परिणाम तो हम सभी पर होगा स्वामी। शक्ति के बिना महादेव अपूर्ण है, और जब जगत जननी देवाधिदेव ही अपूर्ण है, तो फिर स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक में कोई पूर्ण कैसे रह सकता है स्वामी? विवश हो जाएंगे सभी देव देवी एक दूसरे से विलग होने पर। आप कुछ करते क्यों नहीं स्वामी? मैं विवश हूँ प्रिय। श्री भी दूर होने वाली है, अर्थात क्या मामी जी भी माँ के समान वैकुंठ से कहीं दूर जाने वाली है? नहीं, मैं वैकुंठ जाऊंगा, नवीन संकट नहीं उत्पन्न होने दूंगा मैं। अहंकार यदि बढ़ जाए तो शक्ति और श्री दोनों मिट जाते हैं। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली है। ऐसा क्यों कहा माने? क्या उनका और पिताश्री का विवाह वैकुंठ में भी विकट स्थिति उत्पन्न कर रहा है? मूषक जी, गति बढ़ाइए। ये बाधा कहां से उत्पन्न हुई? ये किसका कृत्य है? असुर राज्य की तपस्या के साथ ही देवताओं को श्रीहीन करने की हमारी योजना का भी आरंभ होगा। मात्र विघ्नहर्ता ही इसमें विघ्नकर्ता बन सकते हैं। महादेव पुत्र गणेश जहां कहीं भी हो, जाओ रोको उन्हें। जो आज्ञा असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम। और मेरा मार्ग क्यों रोका आप दोनों ने? देखिए, आप जो भी हो हट जाइए मेरे मार्ग से। हम हटने नहीं, तुम्हें रोक कर अपना विघ्न हटाने आए हैं। अरे ये तो मात्र बालक है, जाने दो इसे। हाँ हाँ, जाओ बालक जाओ, हमारी अनुमति है, जाओ बालक जाओ। मूषक जी चलिए, हमें इनसे नहीं उलझना है। जाओ 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 बालक। हमसे बचकर कहां तक जाओगे बालक? विघ्नकर्ता, हम तुम्हें अपने स्वामी के मार्ग में विघ्न नहीं बनने देंगे, तुम्हें वैकुंठ किसी भी प्रकार नहीं पहुंचने देंगे। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। प्रभु।
ये बालक तो बहुत भारी है। अरे किंतु है तो बालक ही ना, खींचो और शक्ति का प्रयोग करो। खींचो, मैं भी खींचता हूँ। इन मूर्ख असुरों से उलझने का समय नहीं है मेरे पास। सावधान रहिएगा मूषक जी। अब मैं जो करने जा रहा हूँ उससे आपको थोड़ी पीड़ा होगी, किंतु इन दुष्ट असुरों को अपार पीड़ा होगी। अरे ये क्या, ये तो हमारी ओर बढ़ा आ रहा है। खींचो असुरों, खींचो। छल किया है इस कपटी बालक ने। धन्यवाद प्रभु, इन असुरों के बीच में आने से मैं सुरक्षित रहा। कैसी रही असुरों? मूषक जी, अब और विलंब उचित नहीं, हमें अति शीघ्र वैकुंठ पहुंचना है। हाँ हाँ प्रभु, अवश्य। चलिए मूषक जी, चलिए। जी प्रभु। दुष्ट बालक, इतने सरलता से हमसे छुटकारा नहीं पाओगे तुम। वैकुंठ कदापि नहीं पहुंच पाओगे तुम। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 आप विवश हैं प्रभु? संसार सुरक्षित रहेगा, जगत का कल्याण होगा, इसीलिए आग्रह कर रही हूँ आपसे कि आप जाकर महादेव को समझाइए। प्रिय, जब आदि शक्ति स्वयं निर्णय ले चुकी हैं, तो मेरा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे स्वामी? आप महादेव के पास नहीं जाएंगे? नहीं, नहीं, नहीं। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, ये ध्वनि सुनी आपने? कोई पीछा कर रहा है हमारा। आप आगे बढ़िए मूषक जी, बाधाओं से मुक्ति का दायित्व मुझ पर छोड़ दीजिए आप। ए बालक, क्या सोचा था तुमने? इतनी सरलता से हमारा अंत हो जाएगा और तुम वैकुंठ पहुंच जाओगे। ये तो पुनः आ गए प्रभु। मृत्यु के बाद पुनः जीवित हुए हैं हम। काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तुम कैसे करोगे हमारा सामना? अच्छा, तो मृत्यु के मुख से लौट कर आए हैं आप? हाँ, वही है हम। सुन जी, सुना आपने, मृत्यु से लौट कर आए हैं ये। छोड़ो बालक, अब तो जहाँ से आप आए हैं वही लौटाना होगा मुझे। मामी जी, अब कोई विलंब नहीं होगा, कुछ ही क्षणों में वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं। आशा है वैकुंठ में सब कुशल होगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दुख तो इस बात का है स्वामी कि जगत कल्याण के साथ महादेव और आदि शक्ति के संयोग में हमारा साथ भी निहित है, अन्यथा मुझे भी आपसे विलग होना होगा। और फिर भी आप शांत हैं। किंतु यदि यही आपका निर्णय है
तो देवी पार्वती के समान मैं भी आपसे दूर चली जाऊंगी, मैं भी आपसे दूर चली जाऊंगी, मैं भी आपसे दूर चली। मूषक जी गति बढ़ाइए। मैंने कहा था ना क्रीड़ा का समय नहीं है मेरे पास, किंतु आपने सुना ही नहीं तो भुगतिए। देवी, देवी पार्वती आदि शक्ति हैं, वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं, परंतु आप श्री हैं, आपको आपकी रक्षा के लिए सदैव एक संरक्षक आपके साथ चाहिए। आप मेरे बिना कैसे रह पाएंगी? अब मैं भी प्रमाणित कर दूंगी कि मैं आपके बिना रह सकती हूँ, और मैं तभी लौटूंगी जब देवी पार्वती महादेव के साथ अपना स्थान ग्रहण करेंगी। बहुत हुआ असुर महाशय, अब मैं आपको ऐसे स्थान पर भेजूंगा जहाँ से आप लौट ही नहीं सकेंगे। देवी, आपके बिना वैकुंठ और स्वर्ग लोक की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अब आपको मेरे बिना ही रहना होगा स्वामी, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। प्रिय, मामी जी, मामी जी, मामी जी, प्रणाम मामा जी। मामी जी कहाँ है? वो चली गई, वो चली गई, वो चली गई। ओम श्री महालक्ष्माय नमः, ओम श्री महालक्ष्माय नमः, ओम श्री महालक्ष्माय नमः। माँ दर्शन दीजिए माँ, अन्यथा इस ज्वालामुखी की प्रचंड ज्वाला में अपने इस भक्त की आहुति स्वीकार कीजिए माँ। ओम श्री महालक्ष्माय नमः, ओम श्री महालक्ष्माय नमः। यदि मेरा जीवन चाहिए आपको तो वो भी अर्पित करता हूँ मैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पुत्र अंधकासुर, प्रणाम माता। आप आ गई माता। पुत्र, ये क्या कर रहे थे तुम? अपनी ही आहुति देने जा रहे थे? भक्त हूँ आपका माँ, आपके ही दिखाए मार्ग पर चल रहा हूँ माँ। आपने भी तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने अंग की आहुति दी थी माँ, जिससे बेल पत्र का जन्म हुआ था माँ। उचित है पुत्र, मांगो क्या वरदान चाहते हो तुम? मांगूंगा माता, अवश्य मांगूंगा, किंतु सर्वप्रथम वचन दीजिए मुझे माँ। आपको मेरा अनुरोध स्वीकार करना ही होगा माँ। मैं वचन देती हूँ पुत्र अंधकासुर। माता है आप, इसीलिए मेरे भवन में, मेरे पूजा स्थल पर स्थित सदैव मेरे निकट रहेंगी आप माँ। जब तक मैं न कहूँ, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी माता। वचन दीजिए मुझे। पुत्र अंधकासुर, स्वामी श्री हरि से दूर वैकुंठ को त्याग कर मैं पाताल में कैसे वास कर सकती हूँ? वचन दिया है आपने मुझे माँ, वचन दिया है माँ। पुत्र, वैकुंठ को त्याग कर स्वामी श्री हरि नारायण से दूर रहना मेरे लिए अनुचित है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। वैकुंठ को छोड़ने के सिवाय तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम मांग लो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। दुविधा छोड़िए माँ, मैं आपका ध्यान रखूंगा माँ। मैं अंधकासुर, माँ के समान सम्मान दूंगा आपको माँ। आप बस मुझे वचन दीजिए माँ कि आप यहाँ रहेंगी।
मुझे अपने निकट रखने के लिए कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है पुत्र। करूंगा मां। जहां उन नियमों का उल्लंघन होता है वहां मेरा वास नहीं होता। मेरा स्थान सदैव स्वच्छ रहना चाहिए। मदिरापान मांसाहार मुझे रुष्ट करते हैं। मेरा भोग निर्मल होना चाहिए। मेरे समक्ष सदैव एक अखंड ज्योति प्रज्वलित रहनी चाहिए। यदि मुझे रखने में अशौच हुआ तो मैं उसी क्षण लौट जाऊंगी। माता मेरा विश्वास कीजिए माता, मेरे भवन में आपको तनिक भी कठिनाई नहीं होगी माँ। मैं सभी नियमों का पालन करूंगा माँ। आपको कहीं जाने का कोई कारण नहीं दूंगा माँ। सावधानी से स्वच्छता का ध्यान रखूंगा माँ। आप बस मुझे वचन दीजिए माँ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धन्यवाद माता। मामी जी चली गई। सचेत हो जाओ पुत्र, देवासुर संग्राम छिड़ने वाला है। अहंकार यदि बढ़ जाए तो शक्ति और श्री दोनों मिट जाते हैं। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली है। शीघ्रता करो पुत्र। मामी जी चली गई तो क्या उनका जाना अब देव और देवलोक पर आने वाले किसी बहुत बड़े संकट का कोई अर्थ बताने आया। जीवन समर्पित है तुझको माता। सांस सांस अर्पित है तुझको माता। सांस सांस अर्पित है तुझको माता। रुक जाइए माँ, रुक जाइए, आगे संकट है। नहीं पुत्र, अब ये पांव वहीं रुकेंगे जहां ये माला टूटेगी और उस कमंडल का जल छलकेगा। वही होगा मेरा नवीन स्थान। किंतु गुरुदेव, अंधक कैसे बनाएगा देवताओं को अपना बंधक? अमृत प्राप्त है उन्हें तो हम कुछ भी करें उन्हें नहीं मार पाएंगे। तुम्हारे नेत्र ढके होने के बाद भी तुम देख सकते हो ना? हाँ गुरुदेव, सबल सशक्त है मेरी अंतर्दृष्टि और मेरे नेत्र खुलने पर अंधक का अंधकार दूसरों की दृष्टि को बंधक ही नहीं बनाता, उन्हें काल के अंधकार में धकेल देता है। इतनी शक्ति है मेरी इन अधियारी दृष्टि में। तो मेरी विद्या की शक्ति भी देखो और आनंदित हो जाओ। गुरु शुक्राचार्य ने हमें जीवित कर दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य की। असुर गुरु शुक्राचार्य की। विश्वास नहीं होता,
मुझे कैसे संभव है? तुम अंधकार स्वरूप हो अंधकासुर, ब्रह्मदेव के वरदान से सुरक्षित हो, कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता। मुझे भी महादेव का वरदान प्राप्त है, मैं मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकता हूँ, इसलिए अब हमें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी शक्तियों से धरती पाताल स्वर्ग तीनों लोकों पर असुरों की सत्ता स्थापित कर सकता हूं। इससे पुरु की महादेव और शक्ति दोनों साथ आ जाए, पाताल लोक के सिंहासन का अधिकारी अंध का सुर बनना चाहिए। इसमें बाधा है तुम्हारा अग्रज, वो असुर कुल द्रोही नारायण भक्त प्रहलाद। सर्वप्रथम उसे उसके सिंहासन से हटाना होगा हमें। नहीं माँ, रुक जाइए, ऐसा प्रण मत लीजिए माँ, रुक जाइए, कृपया अपने पग रोक लीजिए माँ, रोक लीजिए अपने पग। मेरी विवशता क्यों नहीं समझ रही है माँ आप? क्या करे आपका पुत्र, आपको कष्टों से जूझता हुआ नहीं देख सकता मैं। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः, विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे, भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। वत्स गणेश। प्रणाम महागणपति जी, मुझे दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गणेश, आज इतनी व्याकुलता क्यों थी तुम्हारी स्तुति के स्वर में? आपका अंश हूँ मैं, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही आप तक पहुँच रहा है। वहाँ कैलाश में पिता श्री पीड़ा में है और उधर माँ भी, तन और मन दोनों से ही अपार कष्ट में है महागणपति जी। पुत्र अपनी माँ को ऐसी अवस्था में कैसे देख सकता है, इसलिए हे महागणपति जी, अब आप ही माँ की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। अवश्य गणेश, तुम्हारी वेदना समझता हूँ मैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी माता का मार्गदर्शन करेगा। माँ और पिताश्री को पुनः एक साथ लाने का उपाय बताइए, क्योंकि उनके साथ आने में ही तो संसार की सुरक्षा भी निहित है। मैं इसी पल से देवी पार्वती को स्थिरता प्राप्त करने और महादेव के साथ उनके संयोग के उनके लक्ष्य को सिद्ध होने में उनका सहायक बनूंगा। जहां यह रुद्राक्ष की माला टूट जाए और कमंडल का जल छलक कर बाहर गिर जाए, वहीं महादेव की पार्थिव लिंग की स्थापना कर पूजा आरंभ कर देना। आपका मनोरथ इसी पूजा से सिद्ध होगा।
अंततः माँ को रुकने का कारण मिल ही गया। स्थिर हुई शक्ति। यही है मेरे तप का स्थान। असुर पुत्रों, कण कण में जिनका वास है, सर्वत्र है जो, अनादि है, अनंत है। करुणा सागर है प्रभु नारायण, जो ईर्ष्या द्वेष से दूर होगा वही उन्हें पा सकेगा। पुनः प्रारंभ कर दिया महाराज प्रहलाद ने अपना आलाप। हम असुर हैं, हमारे बालकों को नारायण का गुणगान सुनने का क्या लाभ? किंतु इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं। वो राजा हैं, जैसा चाहेंगे हमें वैसा करना होगा, जो बोलेंगे वो सुनना होगा, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आप सभी हमारे साथ बोलिए, ओम नमो नारायण, नारायण नमोस्तुते। असुर राज प्रहलाद, गुरुदेव प्रणाम। असुर गुरु स्वागत है, पधारिए। प्रणाम गुरुदेव। इन असुर पुत्रों को प्रचंड असुर योद्धा बनाने के स्थान पर आप इन्हें नारायण की भक्ति सिखा रहे हैं, उनका सेवक बनाना चाहते हैं आप इन्हें? भूल गए क्या, नारायण ने आपके पिता का वध किया था। गुरुवर, वो परम प्रभु नारायण की विवशता थी, मेरे पिता के अहंकारी व्यवहार ने उन्हें विवश किया था। महाराज प्रहलाद, आप भ्रमित हो गए हैं विष्णु भक्ति में। आपके आसपास क्या घटित हो रहा है आप देख ही नहीं पा रहे हैं। शक्ति शिव से विलग हो चुकी है। अशक्त पड़े देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर असुरों का राज स्थापित करने का यही उचित समय है महाराज। गुरुदेव, प्रभु नारायण का दिया हुआ तो सब कुछ है हमारे पास, और जो आनंद शांति में है वो युद्ध में कहां? इसीलिए देवताओं और असुरों को अपने अपने स्थान पर प्रसन्नता से रहने दीजिए गुरुवर। नारायण के कपट ने आपको अपने मोह जाल में फंसाकर आपको भीतर से भीरू बना दिया है। स्वयं को पहचानिए, आप देव नहीं असुर हैं महाराज प्रहलाद, हमारे शत्रु हैं विष्णु। आपको अपने वश में करने के लिए योजना गढ़ी है उन्होंने, जो सफल हो रही है। अपने आसुरी कल्पना को जागृत कीजिए, यही उचित समय है देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का। युद्ध तो दूर गुरुदेव, मैं तो एक नन्ही सी चींटी पर भी हिंसा करने में विश्वास नहीं रखता। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ, कदाचित मैंने आपका निरादर किया। यदि आप असुर सम्राट का दायित्व तो निभाने में असमर्थ हैं, आप इस सिंहासन का त्याग क्यों नहीं कर देते? यदि कोई मुझसे योग्य असुर है तो मैं बड़ी प्रसन्नता से सिंहासन का परित्याग कर दूंगा। है, आपसे कहीं अधिक योग्य असुर है। अंधकासुर, अंधकासुर, अंधकासुर। अनेकों धन्यवाद महागणपति जी। माँ,
कृपया मुझे अपनी सहायता करने दीजिए माँ। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, मानस्तोके गणयेमान आयुषिमानो गोषुमान अश्वेषु रीरिषः। प्रहलाद अंधकासुर, मैं आप सभी के निर्णय में बाधा नहीं डालूंगा। यदि आप चाहते हैं तो अंधकासुर को अपना नायक मानकर उसे अपना समर्थन दे सकते हैं। अंधकासुर ही योग्य पात्र है असुर सम्राट बनने के लिए। उचित है गुरुदेव। अंधकासुर पुत्र, अब मैं अपनी पूजा प्रारंभ करने जा रही। उचित होगा कि तुम कैलाश लौट जाओ। किंतु माँ, आपकी और पिताश्री के एक दूसरे से दूर होने पर मुझे अनेकों अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुत्र, महाशक्ति हूँ मैं, जगत जननी हूँ। मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए कैलाश में स्थित होने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे और अपनी अन्य संतानों के हित के लिए सदैव तत्पर रहूंगी पुत्र। मुझे ज्ञात है तुम्हारे लिए ये सब देखना सहना अत्यंत कठिन है। कैलाश त्याग दिया मैंने पुत्र, अब मैं ऐसे नहीं लौट सकती कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
महादेव ने मुझे अपने से दूर किया तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा उन्हें। मेरी साधना की अवहेलना नहीं कर सकेंगे। स्नेह और सम्मान के साथ स्वयं मेरा हाथ मांगने महादेव को आना ही होगा। मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। अपने और संसार की प्रत्येक नारी के मान सम्मान के लिए साधना करूंगी मैं। ये मेरा प्रण है। मृत असुरों को जीवित करने की विद्या मृत संजीवनी है मेरे पास। महाराज अंधकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि कोई भी उनका कभी भी अंत नहीं कर सकता। इसलिए अब देवताओं को पराजित करने का सामर्थ्य है हमारे पास। अभिवादन करो महाराज असुर सम्राट अंधकासुर का। तैयार हो जाओ संसार के सबसे बड़े देवसुर संग्राम के लिए। महाराज अंधकासुर की जय। अंधकासुर महाराज की जय। अंधकासुर महाराज की जय। अंधकासुर महाराज की जय। आप सभी देवासुर संग्राम की तैयारी करें क्योंकि अत्यंत शीघ्र इस युद्ध की समाप्ति के बाद स्वर्ग हम असुरों के अधीन हो जाएगा। सब बनेंगे अंधक के बंधक। देवताओं का विनाश और सर्वत्र असुर अधिपत्य स्थापित करूंगा मैं। ये मेरा प्रण है। महाराज अंधकासुर की जय। अंधकासुर महाराज की जय। अंधकासुर महाराज की जय। अंधकासुर महाराज की जय। अंधकासुर महाराज की जय। शक्ति का दुरुपयोग क्षणिक लाभ तो दे सकता है किंतु भविष्य में उसके परिणाम स्वयं को ही भुगतने पड़ते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।